दोस्तों, मेरा नाम है रवि और मैं आज नया टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, जिसे हम सिंटैक्स के नाम से बोलते हैं। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, जिसे हम सिंटैक्स के नाम से बोलते हैं। तो टॉपिक स्टार्ट करते हैं। किसी भी सेंटेंस में वर्ब का प्रयोग सब्जेक्ट के नंबर पर्सन के अनुसार किया जाता है, ठीक है। किसी भी सब्जेक्ट सेंटेंस में वर्ब का प्रयोग सब्जेक्ट के नंबर पर्सन के अनुसार किया जाता है, अर्थात सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब। तो एग्जांपल देख लीजिए, मोहन के साथ हम आर का यूज़ नहीं करेंगे। मोहन एक व्यक्ति है, इसलिए इसका यूज़ करेंगे, सिंगुलर वर्ब का यूज़ करेंगे। मोहन इज़ अ गुड एंड ब्रेव बॉय, सही होगा। सो दे दिस का दिस वन के लिए, ठीक है। दिस मोर देन वन के लिए, ठीक है। तो दे क्या होता है, प्लूरल सब्जेक्ट होता है, इसलिए इज नहीं होगा। तो प्लू ऑक्सिलरी वर्ब भी प्लूरल होगी, ठीक है। माई क्लासमेट। नोट, नाउन में अगर ऐसी आइस लगा देंगे तो प्लूरल बन जाएगा, और अगर हमने वर्ब में ऐसी आइस लगा दी तो सिंगुलर बन जाएगा। ये हमने बहुत बार बताया और याद भी होना चाहिए, ठीक है। द बॉय गोज नहीं होगा, गोस होगा, क्योंकि सिंगुलर वर्ब चाहिए ना। द बॉयज प्लूरल चाहिए, गो, ठीक है, गो टू स्कूल। लाइट, अब सिंगुलर सब्जेक्ट, जैसे लाइट, लाइट की लाइट कैसी होती है, सिंगुलर होती है। ट्रेवल्स, ट्रेवल नहीं होती है, ट्रेवल्स लगाना पड़ेगा यहाँ पर। ट्रेवल्स फास्टर देन साउंड, लाइट जो होती है ट्रेवल्स कर सकती है फास्टर देन साउंड, ठीक। लाइट मतलब लाइट एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, लाइट एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, इसका मतलब है प्रकाश। इसमें एस ई आई एस नहीं लगाया जाता, अगर एस लगेगा तो लैम्प का सेंस देगा। किसका सेंस देगा, लाइट्स में एस लग जाएगा तो लैम्प का सेंस देगा। इसी प्रकार सेकंड, नन नन क्या होता है, नन एक कोई सिंगुलर होता है, नन तो नन जो सिंगुलर होता है, नन जो होता है सिंगुलर होता है, तो डिपेंड नहीं होगा, डिपेंड्स ऑन होगा, डिपेंड्स एस, तो सिंगुलर वर्ब का यूज़ करेंगे। हिज ऑनेस्टी, कोई नहीं अपनी ईमानदारी पर, ठीक है। ही हु मेक्स, यहाँ पर देखो मेक्स सही होगा, ही के अकॉर्डिंग आएगा। ही हु मेक्स मिस्टेक्स शुड बी गिवन वन, ठीक है। भाई जो गलतियाँ करता है एक अवसर जरूर देना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। द पर्सन हु लीड्स देमसेल्फ कैन लीड द नेशन। द पर्सन, पर्सन एक प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब का यूज़ करेंगे, लीड्स, ठीक है, सिंगुलर वर्ब का यूज़ नहीं करेंगे। इंपॉर्टेंट रूल्स, अब इंपॉर्टेंट रूल्स के बारे में जानते हैं। इंपॉर्टेंट रूल्स क्या हैं, रूल नंबर फर्स्ट पढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट रूल में सबसे पहले, यदि दो सब्जेक्ट प्रीपोजिशन और कंजंक्शन, प्रीपोजिशन या कंजंक्शन से और कंजंक्शन से, जैसे जैसे कि विथ हो गया, टुगेदर विथ हो गया, अलोंग विथ हो गया, एज वेल एज हो गया, बिसाइड हो गया, इन एडिशन टू हो गया, एंड नॉट हो गया, लाइक हो गया, अनलाइक हो गया, इंक्लूडिंग हो गया, इंक्लूडिंग, एक्सक्लूडिंग और नो लेस देन। अब बिसाइड और इन एडिशन टू मतलब होता है के बजाय, के अतिरिक्त, एंड नॉट और नहीं, लाइक के जैसा नहीं, अनलाइक के जैसा, लाइक होता के जैसा और अनलाइक होता के जैसा नहीं, इंक्लूडिंग होता शामिल करते हुए, एक्सक्लूडिंग इसका इंक्लूडिंग का अपोजिट होता है, शामिल बाहर करते हुए, ठीक है। से और नो लेस देन मतलब होता से कम नहीं, से ईटीसी से जुड़कर, ईटीसी से जुड़कर वर्ब आए तो वर्ब का प्रयोग, वर्ब का प्रयोग या हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग, फर्स्ट पर्सन हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग, हेल्पिंग वर्ब का या वर्ब का प्रयोग, ऑक्सिलरी वर्ब या मेन वर्ब का प्रयोग सब फर्स्ट पर्सन के अकॉर्डिंग, फर्स्ट सब्जेक्ट के अनुसार किया जाता है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर, आई विथ ऑल माई फ्रेंड, विथ देखो यहाँ पर कंजंक्शन है, विथ कंजंक्शन है, तो आई ऑल माई फ्रेंड्स, ये भी सब्जेक्ट है, ये भी सब्जेक्ट है, दो दो सब्जेक्ट, तो पहले वाले के सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब आएगी। तो आई एम, आर की जगह एम आएगा, आई एम गोइंग टू अ बोर्ड। अब यहाँ पर भी मोहन लाइक, मोहन लाइक ये क्या होता है, मोहन लाइक कंजंक्शन है, लाइक मोहन लाइक अदर, मोहन अन्य की तरह ही, इसके प्रति अपूर्णता ज्ञान है। मोहन लाइक अदर्स
मोहन इज, आर की जगह इज आएगा, कंप्लीटली इनोग्रेंट ऑफ इट्स, ठीक है, द हाउस विथ ऑल इट्स फर्नीचर एंड वैल्यूएबल पेंटिंग्स इज होगा टू बी सोल्ड, इज आएगा हाउस के, हाउस के अकॉर्डिंग आएगा, ठीक है, अपने सारे फर्नीचर और कीमती पेंट के साथ बेची जाएंगी। मोहन एंड नॉट सोहन एंड राजीव, तो मोहन के अकॉर्डिंग आएगा हैज, ठीक है, कमिटेड द क्राइम, मोहन सोहन और राजीव नहीं, ठीक है। द किंग एंड एडिशन टू, इन एडिशन टू के बजाय इज क्वीन, किंग के अकॉर्डिंग आएगा इज लाइबल टू इट। छठवां, द प्राइम मिनिस्टर अलॉन्ग विथ हिज मिनिस्टर, पीएम के अकॉर्डिंग आएगा हैज, हैव नहीं होगा, हैज होगा, ठीक, कम हियर। आई एज वेल एज यू आर फुल्ली अवेयर फॉर द फैक्ट, बिल्कुल गलत है, आर नहीं होगा, एम होगा, आई के अकॉर्डिंग चेंज होगा। ही अलॉन्ग विथ हिज ब्रदर इज वेरी केयरलेस टूवर्ड देयर वर्क, तो यहाँ पर क्या होगा, ही के अकॉर्डिंग तो हिज तो सही है, यहाँ पर क्या है, पजेसिव की गलती है, तो हिज होगा, ठीक है। मोहन अन्य की तरह मूर्ख नहीं है, पाकिस्तान, भारत और अमेरिका नहीं आतंक के लिए जिम्मेदार है, तुम्हारे साथ साथ मैं भी यह सबको सीखना चाहता हूँ। 14 देखेंगे, ही नो लेस देन मोहन आर रिस्पॉन्सिबल, बाय मोहन से कम नहीं जिम्मेदार है, ही नो लेस देन ये वाले दो सब्जेक्ट जुड़े हैं, तो पहले वाले के सब्जेक्ट के अनुसार आएगा, इज होना चाहिए यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल, ठीक है। अब रूल नंबर 2, यदि दो या दो से अधिक सब्जेक्ट किससे आए और से हों, और कंजंक्शन है, और यदि दो या दो से अधिक सब्जेक्ट और इधर डट 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 और या तो ए या तो वो, नीदर और नीदर नॉर, ना तो ए ना तो वो से जुड़कर आए, तो अंतिम वर्ब नियरेस्ट सब्जेक्ट के अनुसार आती है, अंतिम जुड़कर आए तो वर्ब अंतिम नियरेस्ट सब्जेक्ट के अनुसार आती है, तो मतलब जो पास में होते कि उसके उसके अकॉर्डिंग, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल यू और आई है, तो और से जुड़े हैं, कंजंक्शन जुड़े हैं, तो कंजंक्शन से जुड़े हैं तो बाद वाले सेकंड वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, तो आई के साथ एम का क्या कला है, गिल्टी फॉर इट, ठीक। ईदर द डायरेक्टर और हिज असिस्टेंट हैव नॉट डन हिज ड्यूटी प्रॉपरली, देखो ईदर द डायरेक्टर और हिज असिस्टेंट्स, उसके असिस्टेंट्स हैं, तो यहाँ पर हैव सही होगा और हिज की जगह देयर होगा, क्योंकि असिस्टेंट बहुत सारे असिस्टेंट होगा ना, या तो डॉक्टर या तो उसके असिस्टेंट ड्यूटी प्रॉपरली नहीं करते, ठीक है, अपनी ड्यूटी प्रॉपर नहीं करते, वह या तो उसके भाइयों ने यह अपराध किया है, ही और हिज ब्रदर, इसके अकॉर्डिंग वो हिज ब्रदर के अकॉर्डिंग आ आएगा कमिटेड दिस क्राइम, ठीक, या तो भारत या तो पाकिस्तान इसके लिए जिम्मेदार रहते हैं, इधर इंडिया और पाकिस्तान इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इट, या तो तुम मैं या मैं यह काम पूरा किए, इधर यू और आई हैव डन आई के साथ हैव आएगा, हैव डन दिस वर्क, नीदर इंडिया नॉर पाकिस्तान नॉर एवर अमरीका, तो अमरीका का सब्जेक्ट सब्जेक्ट क्या होगा, ए जाएगा, अमरीका कैपेबल टू सेंट्रल टेररिज्म, ठीक है, याद रख लेना। मोहन और हिज फ्रेंड के अकॉर्डिंग हैव आएगा, ठीक है, नॉट पेड देयर प्रॉपर अटेंशन टू माई बर्ड, ठीक है। रूल नंबर थर्ड पढ़ते हैं, रूल नंबर थर्ड क्या कहता है, यदि दो या दो से अधिक सब्जेक्ट प्रीपोजिशन से जुड़कर आए तो वर्ब पहले सब्जेक्ट के अनुसार प्रयुक्त होती है, तो हम बता दो प्रीपोजिशन से, ठीक है, द मेरिट ऑफ
माई स्टूडेंट इज नॉन ओनली टू मी, तो द मेरिट के अकॉर्डिंग आएगी, ठीक है। द मेरिट ऑफ द स्टूडेंट ऑफ एक प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन से दो सब्जेक्ट आ रहे हैं, तो पहले वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा सब्जेक्ट। द कंडीशन ऑफ द पीपल लिविंग इन केरला, पहला प्रीपोजिशन, दूसरा प्रीपोजिशन, और हमने बताया था कि आपको प्रीपोजिशन किसके अकॉर्डिंग आएगा, पहले पहली प्रीपोजिशन के अकॉर्डिंग आएगा। कंडीशन इज लोगों की हालत, लोगों की हालत, केला में रहने वाले लोगों की स्थिति खराब है। मेरे छात्रों की मेरिट, ठीक है। तीसरा देखते हैं द डिटेल ऑफ, पहला प्रीपोजिशन, द मीटिंग हेल्ड ऑन मंडे इन इलाहाबाद, इलाहाबाद वॉज सबमिटेड स्टडी, बिल्कुल डिटेल क्या है, डिटेल्स बहुत सारी होती हैं, तो यहाँ पर वॉज की जगह वर होगा, पहले के अकॉर्डिंग चेंज है। इलाहाबाद में सोमवार की आयोजित मीटिंग का वितरण कल जानकारी प्रस्तुत कर दी गई। चौथा देखते हैं द मैनेजर कमेंट्स ऑन द प्रीपोजिशन ऑफ द प्रोग्राम फॉर द लास्ट टू टूर टू ऑस्ट्रेलिया वॉज कमेंडेबल, ऑस्ट्रेलिया के लिए पिछली यात्रा के लिए कार्यक्रम की तैयारी बारे में मैनेजर की टिप्पणियां प्रश्नीय थीं, तो द मैनेजर कमेंट्स ऑन, पहला प्रीपोजिशन, दूसरा प्रीपोजिशन, तीसरा प्रीपोजिशन, चौथा प्रीपोजिशन, ये तो जो वर्ब होगी वो किसके अकॉर्डिंग आएगी, वर्ब हमेशा इसके अकॉर्डिंग आएगी, पहले वाले के अकॉर्डिंग, ठीक है, पहले वाले के अकॉर्डिंग वर्ब आएगी वॉज, ठीक। नोट डिफरेंट देखिए ज़रा, डिफर पांचवा, नोट याद रखना, डिफर याद रखना, नोट नोट दे रखा है मेरे पास। कलेक्शन दिखाने वाले शब्द के साथ वर्ब इसी के अनुसार प्रयुक्त होती है, कलेक्शन वाले जितने भी कलेक्शन दिखाने वाले शब्दों के साथ वर्ब इसी अनुसार यानी इसी के अनुसार प्रयुक्त होती है। जैसे अ पेयर ऑफ शूज, तो जो पेयर है, पेयर ऑफ शूज है ना, पेयर ऑफ शूज, तो उसके अकॉर्डिंग इज नहीं, इज आएगा। अ पेयर ऑफ शूज मतलब एक पेयर शूज है, तो इसलिए इज आएगा। अ पेयर ऑफ शूज इज लाइंग इन द कॉर्नर, ठीक है। अ ग्रुप ऑफ पीपल्स इन इंडिया बांट नहीं होगा, ग्रुप आए, एक ग्रुप है ना, तो इसलिए बॉन्ड्स आएगा। स्पेशल फैकल्टीज ऑफ देमसेल्फ, भारत में लोगों का एक समूह अपने अनेक के लिए विशेष सुविधाएं चाहता है। अ गैलेक्सी ऑफ स्टार, गैलेक्सी एक समूह होता है, तारों का एक समूह देखा गया, हैव बीन सीन, द गैलेक्सी ऑफ स्टार, द गैलेक्सी ऑफ स्टार्स हैव बीन सीन, सही होगा। अ टीम ऑफ प्लेयर्स, अ टीम ऑफ प्लेयर्स बर नहीं होगा, वॉज होगा, अपोजिंग द आइडिया, खिलाड़ियों का एक समूह, अ टीम ऑफ प्लेयर्स वॉज अपोजिंग द इंडिया, खिलाड़ियों का एक समूह। अब स्ट्रक्चर की बात होती है, यहाँ पर एक स्ट्रक्चर की बात होती है, स्ट्रक्चर में रूल नंबर फर्स्ट पढ़ेंगे। रूल नंबर फर्स्ट में पहला फर्स्ट है मैनी प्लस प्लूरल सब्जेक्ट प्लस प्लूरल वर्ब, मैनी के साथ प्लूरल सब्जेक्ट आएगा और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब आएगी। अगर मैनी के साथ, मैनी के बाद आकर एन, ए और एन आ जाए, फिर तो सिंगुलर सब्जेक्ट और सिंगुलर वर्ब, तो बस बहुत ही सिंपल है। तो एग्जांपल देख लीजिए, मैनी के बाद डायरेक्ट ए नहीं आया, ए के बाद सीधा मैन, प्लूरल वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट, तो प्लूरल वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट, प्लूरल हैव आएगा, मैनी मैनी मैन के अकॉर्डिंग। बीन किल्ड, मैनी अ मैन, मैनी अ मैन, सब्जेक्ट बनेगा यहाँ पर ए एम ए एन होगा, मैनी अ मैन, एम ए एन, अ मैन होगा, मैनी अ मैन हैज़ बीन किल्ड, बड़ी संख्या में लोग मारे गए, एक ही अर्थ है, शाब्दिक अर्थ एक ही है, मैनी मैन हैव बीन किल्ड, बड़ी संख्या, मैनी अ मैन हैव बीन किल्ड, ठीक। मैनी अ स्टूडेंट, मैनी अ स्टूडेंट आर नहीं होगा, इज होगा, सिंगुलर वर्ब, फ्रस्ट्रेटेड बिकॉज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी के कारण बड़ी संख्या में छात्र निराश हो रहे हैं, ठीक। मैनी अ क्वेश्चंस, क्वेश्चंस ऐसा नहीं होगा, यहाँ पर प्लूरल वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट नहीं बनेगा, सिंगुलर सब्जेक्ट बनेगा, मैनी अ
क्वेश्चंस आस्क्ड इन दिस क्वेश्चन पेपर इज टू डिफिकल्ट टू सॉल्व। इस प्रश्न पत्र में पूछे गए अधिकांश प्रश्न, बड़ी संख्या में प्रश्न बड़ी संख्या में प्रश्न है। तो मैनी है, मैनी के बाद ए आ गया, इस वजह से सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब यूज होगा। ठीक है, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, मैनी के बाद डायरेक्ट आ जाए सब्जेक्ट तो प्लूरल सब्जेक्ट होता। ठीक है, नोट, और ये कौन नोट है, एक इसमें थर्ड वाला भी देखिए। आई ट्राइड इट मैनी अ टाइम्स, मैंने कई बार ट्राई किया, सो आई ट्राइड इट मैनी अ टाइम्स, मैनी अ टाइम्स। ठीक है, नोट, अब यहाँ पर नोट पढ़ते हैं, एक और नोट दे रखा है, नोट याद रखना, अ ग्रेट मैनी अ गुड मैनी, ये दोनों ही, ये सभी क्या है, एग्जेक्टिव होते हैं। अ ग्रेट मैनी अ गुड मैनी के साथ प्लूरल वर्ब और प्लूरल सब्जेक्ट का यूज होता है। ए ग्रेट मैन, अ ग्रेट मैनी और गुड मैनी दोनों ही एग्जेक्टिव होते हैं। इसका मतलब होता है बड़ी संख्या में, इसका मतलब क्या होता है बड़ी संख्या में, उनके साथ क्या होता है प्लूरल वर्ब और प्लूरल सब्जेक्ट का यूज होता है। ठीक है, सो देयर वर अ लार्ज नंबर, देयर वर अ लार्ज नंबर ऑफ कैंडिडेट्स, बट अ ग्रेट मैनी ऑफ देम वॉज की जगह वर होगा। ठीक है, इन एक्सपीरियंस्ड याद रखना, बड़ी संख्या में छात्र प्रदर्शनी में प्रस्तुत हुए। अ ग्रेट मैनी ऑफ स्टूडेंट बार अटेंड इन एग्जीबिशन हैव अटेंड द शो, अ ग्रेट मैनी ऑफ स्टूडेंट वर अटेंडेड इन एग्जीबिशन भी सही है और हैव अटेंडेड द शो भी सही है। ठीक है, दोनों ही सही है। अब इसमें रूल नंबर फर्स्ट हमने पढ़ लिया था, रूल नंबर टू की बात होती है इसमें। रूल नंबर टू क्या होता है, रूल नंबर टू में हमने तीन पार्ट दिए, एक दो तीन, ए बी सी करके। तो मोर देन वन जहाँ लिख के आएगा, मोर देन वन वन एक फ्रेज है, मोर देन वन फ्रेज है, मोर देन टू फ्रेज है, मोर, तो मोर देन वन जहाँ होगा वो सिंगुलर सब्जेक्ट और सिंगुलर वर्ब यूज होगी वहाँ पर। मोर देन टू लिखा होगा वहाँ पर, मोर देन टू या थ्री लिखा होगा वहाँ पर प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब का यूज होगा। जहाँ पर मोर लिखा होगा मोर, वहाँ पर प्लूरल सब्जेक्ट प्लस प्लूरल सब्जेक्ट हो गया, और देन वन प्लस प्लूरल वर्ब का यूज होगा। तो इतना हमें पता चल गया। तो एग्जाम्पल देखिए, पहला एग्जाम्पल देखा, मोर देन वन थीप्स सिंगुलर थीप्स, फिर हैज की जगह हैव आएगा, बीन अरेस्टेड, मोर देन वन जहाँ पर सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब का यूज होगा। ठीक है, सेकेंड, मोर 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 पर्सन्स देन वन, तो जो मोर है सी वाला है जो ए वाला है। ठीक है, तो मोर पर्सन देन वन हैव प्लूरल सब्जेक्ट और प्लूरल वर्ब हैव बीन सिलेक्टेड। देखो प्लूरल सब्जेक्ट, मोर पर्सन्स मतलब प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब, इसके बाद है मोर देन वन फ्रेज है, इसका सिंगुलर सब्जेक्ट एम्प्लॉय, इसके बाद हैव की जगह हैज आएगा, बीन सस्पेंडेड फॉर इंटेलिजेंस। क्वेश्चन नंबर, मोर क्वेश्चंस, मोर के बाद हमेशा क्वेश्चंस आर प्लूरल सब्जेक्ट और फिर देन वन फिर प्लूरल वर्ब हैव बीन आस्क्ड इन द इंटरव्यू। इस मामले में एक से अधिक नेताओं को गिरफ्तार किया गया, मोर देन वन लीडर हैज बीन अरेस्टेड इन दिस मैटर, एक से अधिक लोगों को कार्यक्रम में आमंत्रित किया गया, मोर पर्सन देन वन हैव बीन इनवाइटेड टू द फंक्शन। रूल नंबर थर्ड क्या है, रूल नंबर थर्ड में आपका सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस प्लस वन ऑफ प्लस प्लूरल सब्जेक्ट प्लस रिपोर्टिंग रिलेटिव प्रोनाउन प्लस प्लूरल सब प्लूरल वर्ब और प्लूरल पजेसिव, जो हम पहले पढ़ चुके।
नंबर थर्ड में क्या है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस वन ऑफ, वन ऑफ के बाद प्लूरल सब्जेक्ट, फिर रिलेटिव प्रोनाउन दैट का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, प्लूरल सब प्लूरल वर्ब प्लूरल पोजेसिव। तो इसमें है दिस इज वन ऑफ, वन ऑफ के बाद सीधे द बेस्ट बुक्स, प्लूरल सब्जेक्ट, प्लूरल सब्जेक्ट हो गया, फिर रिलेटिव प्रोनाउन, फिर इसके बाद है प्लूरल वर्ब, प्लूरल वर्ब आएगी हैव बीन एवर रिटन, ठीक है। मोहन ने, मोहन उन छात्रों में से एक है जो अपने प्रयास में सफल हुआ। मोहन इज वन ऑफ द स्टूडेंट्स, वन ऑफ द स्टूडेंट्स, मोहन इज वन ऑफ द स्टूडेंट हु हैज बीन सिलेक्टेड बाय देयर ओन एफर्ट्स। भारत उन देशों में से एक जिन्होंने परमाणु शक्ति हासिल की। इंडिया इज वन ऑफ द कंट्रीज विच हैज बीन एक्वायर एटोमेटिक एटोमेटिक पावर बाय उन सबसे महान नेताओं में सिर्फ एक जिन्होंने देश के अपना देश के लिए अपना जीवन न्यौछावर कर दिया। ही इज ओनली वन ऑफ द ग्रेटेस्ट लीडर, ग्रेटर लीडर्स, वन ऑफ ओनली वन ऑफ ग्रेटेस्ट ग्रेटेस्ट लीडर्स दैट हैज लेड डाउन डाउन हिज लाइफ। यह उन फिल्मों में से एक है जो मैंने कभी देखी। दिस इज वन ऑफ द फिल्म विच दिस इज वन ऑफ द फिल्म विच आई हैव सीन एवर सीन। ही इज ओनली वन ऑफ द वर्कर्स दैट हार्डली एवर वर्क्स, वर्क नहीं होगा वर्क्स होगा। सी इज वन ऑफ द वोमैन हु नेवर कंप्रोमाइज एज विद देयर प्रिंसिपल्स। वन ऑफ द प्लेयर्स हैज प्लेड वेल। वन ऑफ द स्टूडेंट्स हु हैज कम हियर इज गुड। रूल नंबर फोर्थ, रूल नंबर फोर्थ में क्या है, आर नंबर ऑफ के बाद प्लूरल सब्जेक्ट प्लस प्लूरल वर्ब का यूज़ होते हैं, और दूसरा नंबर है द नंबर ऑफ के साथ प्लूरल सब्जेक्ट और प्लूरल सिंगुलर वर्ब का यूज़ करते हैं। आर नंबर के साथ प्लूरल सब्जेक्ट और प्लूरल वर्ब का यूज़ करेंगे, और द नंबर ऑफ के बाद प्लूरल सब्जेक्ट और सिंगुलर वर्ब का यूज़ करेंगे। जैसा कि आर नंबर ऑफ स्ट्राइकिंग वर्कर्स हैव बीन सेंट टू जेल। द नंबर ऑफ पर्सन इंटरेस्टेड इन पब्लिक इज वेरी स्मॉल। द नंबर ऑफ द कैंडिडेट्स अप्लाई फॉर द जॉब वॉज सो लार्ज दैट द कमीशन हैड टू स्टॉप यू इशूइंग एप्लीकेशन फॉर्म। रूल नंबर फाइव में क्या लिखा है, रूल नंबर फाइव में देयर प्लस वर्ब प्लस सब्जेक्ट, देयर के बाद आने वाला वर्ब इसके बाद आने वाला सब्जेक्ट के अनुसार प्रयुक्त होता है, ठीक है, देयर के बाद आने वाला वर्ब इसके बाद आने वाले सब्जेक्ट के अनुसार प्रयुक्त होता है, बस इतना है, सब्जेक्ट के अनुसार प्रयुक्त होगा ये वाला वर्ड, ठीक है। सो देयर इज या आर नो मनी टू स्पेंड। नो मनी कैसा अनकाउंटेबल नाउन होता है, इसलिए आर का यूज नहीं, नो मनी तो इसका यूज करेंगे यहाँ पर, ठीक है। सो देयर इज या आर ओनली टू ऑप्शंस
ऑप्शन है, इसलिए दो आर का यूज करेंगे यहाँ पर। सो देयर आर ओनली टू ऑप्शंस। आई थिंक देयर हैज़ बीन नो रीज़न, सब्जेक्ट है फॉर, नो रीज़न एक सब्जेक्ट है, नो रीज़न फॉर हिम टू कमिट द मिस्टेक। तो नो रीज़न सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के पहले क्या आती है, वर्ब आती है किसके अकॉर्डिंग, देयर के, तो हैज़ आएगा। नो रीज़न एक सब्जेक्ट सिंगुलर होता है, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन बनता है यहाँ पर, देयर इज़ हार्डली अ स्कूल गोइंग चाइल्ड दैट डिसलाइक टेलीविज़न। तो हाई स्कूल यहाँ पर क्या है, सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब आएगी, ठीक है। इज़, सो देयर वर नो मोर रूम्स फॉर अस टू स्टे। तो यहाँ पर रूम क्या है, सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग क्या आएगा, वॉज। रूम एक सिंगुलर है इसलिए वॉज का यूज़ करें। देयर वॉज नो रूम फॉर अस टू स्टे। विश्व में दो प्रकार के लोग हैं, अच्छे और बुरे। सो देयर आर टू क्लासेस ऑफ पीपल इन द वर्ल्ड, द गुड एंड द बैड। कई प्रश्न प्रश्न पूछने हैं, सो देयर आर मैनी क्वेश्चंस टू आस्क, सब्जेक्ट के अनुसार देयर आर, ठीक है। त्रिभुज की तीन भुजाएं होती हैं, सो देयर आर थ्री साइड ऑफ ट्राइंगल, देयर आर थ्री साइड ऑफ ट्राइंगल, इसके अकॉर्डिंग है। सो मीटिंग में 10 लोग होते हैं, देयर आर 10 पर्सन, तो इसके अकॉर्डिंग आएगा आर, 10%, ठीक है, 10% इन मीटिंग। उस कार्यक्रम में कोई व्यक्ति नहीं था, देयर वॉज नो मैन, नो मैन के अकॉर्डिंग आएगा वॉज। इन द प्रोग्राम में विश्व में 200 से अधिक देश हैं, सो देयर आर मोर देन 20 सेंचुरीज, तो आर का यूज होगा। इन द वर्ल्ड, भारत में अनेक लोग भुखमरी झेल रहे हैं, सो देयर आर मैनी पीपल के अकॉर्डिंग आर आएगा। इन इंडिया सफरिंग स्टार्वेशन, उसके आने का प्रश्न ही नहीं उठता, देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ हिज कमिंग। नो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इज आया, क्वेश्चन एक है, नो क्वेश्चन इज एक है, इसलिए इज का यूज़ करेंगे। सो मेरे जाने का प्रश्न ही नहीं उठता, तो नो क्वेश्चंस ऑफ माई गोइंग इज यूज होगा, देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ माई गोइंग। मंदिर के ठीक सामने एक मस्जिद है, सो देयर इज अ मॉस्क्यू, मॉस्को के अकॉर्डिंग आया इज, सो देयर इज अ मॉस्क्यू इन फ्रंट ऑफ टेम्पल। मेरे घर के पीछे कुआ है, सो देयर कुआ है, देयर वॉज अ कुआ था, सो देयर वॉज अ वेल बिहाइंड माई हाउस। नेक्स्ट पढ़ते हैं, रूल नंबर 6 में ए बी सी तीन रूल हैं, ठीक है, जो कि हमें पढ़ना है। पहला रूल है नो प्लस सिंगुलर काउंटेबल नाउन, नो प्लस सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब आती है, ठीक है। नो प्लस सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ सिंगुलर वर्ब आती है, ये भी है, नो प्लस सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ सिंगुलर वर्ब, नो प्लस सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन का साथ सिंगुलर वर्ब, नो प्लस प्लूरल काउंटेबल नाउन के नाउन, प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ प्लूरल वर्ब आती है बस, ठीक है। एग्जांपल जैसे कि नो मनी, नो मन कैसी है, एक अनकाउंटेबल नाउन होता है, इसलिए इसके साथ हैज़ आएगा। नो मनी हैज़ बीन स्पेंड, कोई भी पैसा खर्च नहीं किया गया। नो मैन, नो मैन कैसा है, एक काउंटेबल नाउन है, नो मैन हैव नहीं आएगा, हैज़ करेज टू डू इट, किसी या कोई भी व्यक्ति को ऐसा करने का साहस नहीं है। तीसरा नो मैन प्लूरल काउंटेबल नाउन है, तो नो मैन वॉज नहीं आएगा, वर आएगा। सीन देयर, वहाँ कोई भी व्यक्ति नहीं देखा गया, ठीक है, नो मैन, ठीक।
इस वक्त और भी क्वेश्चंस हैं जो भी हमें करना है। नो अदर ऑप्शंस हैज़ बीन गिवन फॉर हिम द अडॉप्ट, उसको अपनाने के लिए कोई भी दूसरा विकल्प नहीं दिया गया। और यहाँ पर क्या है, सिंगुलर वर्ब का यूज़ किया गया हैज़ नो अदर ऑप्शन के साथ, ठीक है। सो देयर वॉज नो मैन हु वर एबल टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स, कोई भी व्यक्ति नहीं था जो जो समस्या को हल करने में समक्ष था। वो ये रिलेटिव प्रोनाउन है और नो मैन के साथ हमेशा हमने बताया था कि नो मैन एक का नो के साथ एक काउंटेबल नाउन है, इस वजह से इसके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज होगा, ठीक है। देयर आर नो मीन्स बाय विच वी कैन फाइंड आउट द रिजल्ट, इसका कोई मतलब नहीं है जिसके द्वारा हम परिणाम का पता लगा सकते हैं। तो हमने बताया था नो मीन्स है इससे पहले, देयर के बाद जो सब्जेक्ट आता है, देयर के बाद हेल्पिंग वर्ब जो आती है, ऑक्सिलरी वर्ब आती है, वो सब्जेक्ट के अनुसार आती है, बाद वाले सब्जेक्ट के अनुसार आती है। सो देयर इज नो मीन्स बाय विच वी कैन फाइंड आउट द रिजल्ट। नो आंसर आउट आंसर इन काउंटेबल नाउन, इसलिए सिंगुलर वर्ब आती है। नो आंसर वॉज गिवन बाय हिम, कोई भी मनुष्य मन नहीं है, नो मैन इज इमोर्टल, कोई भी पर्सन सही नहीं है, तो नो क्वेश्चन इज करेक्ट, नो क्वेश्चन इज करेक्ट। कोई भी व्यक्ति सर्वशक्तिमान नहीं है, नो मैन इज अलमाइटी। अब रूल नंबर सेवन में एक रूल है जो कि हमें याद रखना है, अ मेजोरिटी आए इसके साथ प्लूरल सब्जेक्ट और प्लूरल वर्ब आती है। तो एग्जांपल देख लीजिए, अ मेजोरिटी ऑफ वर्कर्स वाज डिमांडिंग फॉर मेयर वेज, श्रमिकों का बहुमत मात्र मजदूर की मांग कर रहे थे। तो प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब आएगा, तो प्लूरल सब्जेक्ट है तो क्या आएगा, वर आना चाहिए यहाँ पर। अ मेजोरिटी ऑफ वर्कर्स वॉज डिमांडिंग फॉर मेयर वेजेस, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब याद रखो। रूल नंबर एट में पहला रूल है ए नंबर का, यदि 1/3, 2/3, 3/4, 1/2, 1/4, 1/4, 1/4, 1/8 आए, इनके बाद प्लूरल काउंटेबल नाउन आए, इनके बाद इन्हीं वर्डों के बाद क्या है, प्लूरल काउंटेबल नाउन आए, तो इसके साथ प्लूरल वर्ब का यूज़ करते हैं। कैसे करते हैं, प्लूरल वर्ब का यूज़ करते हैं। और रूल नंबर बी इनके बाद अगर काउंटेबल नाउन आ जाए, अनकाउंटेबल नाउन, ठीक है, इन्हीं वर्णों के बाद अनकाउंटेबल नाउन आ जाए, या एक वन आ जाए, अनकाउंटेबल या वन आ जाए, आने पर सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब का यूज़ होता है, बस इतना याद रख लो। तो एग्जांपल देखते हैं, टू थर्ड्स ऑफ द लीडर्स, हमने बताया ना कि टू थर्ड्स ऑफ, इसके बाद क्या आ जाए, कैसा है, काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल, काउंटेबल है, प्लूरल काउंटेबल नाउन आ जाए, तो प्लूरल काउंटेबल नाउन है। द टू थर्ड्स ऑफ के बाद प्लूरल काउंटेबल नाउन आ गया, इसके बाद जो वर ही सही होगा यहाँ पर, वर प्लूरल वर्ब आएगी अपोजिंग द विल, एक्ट लॉ होता है, विल विधेयक होता है। टू थर्ड्स ऑफ द वेल्थ कैसा होता है, वेल्थ संपत्ति होता है, ये प्लूरल काउंटेबल नाउन होता है, प्लूरल काउंटेबल नाउन होता है, तो यहाँ पर हैव बीन डोनेटेड होगा, ठीक है, हैव बीन डोनेटेड होगा, ठीक। टू थर्ड ऑफ द वेल्थ हैव बीन डोनेटेड, संपत्ति या धन का 2/3 हिस्सा दान दिया गया। पहला क्वेश्चन देखते हैं, अ पार्ट ऑफ हिज वेल्थ
यहाँ पर गलत हो गए, टू थर्ड्स ऑफ द वेल्थ हैज़ आएगा यहाँ पर, हैज़ बीन डोनेटेड अ पार्ट ऑफ हिज वेल्थ मतलब तो संपत्ति वॉज गिवन टू द बैगर्स। बिल्कुल सही है, ये एक संपत्ति वेल्थ होती है जो वो कैसी होती है, अनकाउंटेबल नाउन होती है, और हम अनकाउंटेबल नाउन के लिए सिंगुलर को यूज़ करते हैं। 20% ऑफ द लैंड हैज़ बीन, लैंड को क्या कर देते हैं, ये अनकाउंटेबल नाउन होता है, जैसे कि हमने पढ़ा है कि अनकाउंटेबल नाउन के बाद या एक सिंगुलर सब्जेक्ट और सिंगुलर वर्ब को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो 20% ऑफ लैंड अनकाउंटेबल नाउन होता है, अनकाउंटेबल नाउन है इसलिए हैज़ यूज़ होगा, हैज़ बीन यूज फॉर ग्रोइंग वेजिटेबल, सब्जियां उगाने के लिए भूमि का 20% हिस्सा प्रयोग किया गया। 20% ऑफ द मेंबर्स, ये क्या है, टू अनकाउंटेबल तो वर आएगा, वर अगेंस्ट एनी चेंज, सदस्यों का 20% किसी भी बदलाव के खिलाफ थे। वन टेंथ ऑफ द टोटल मेंबर ऑफ वर्कर्स वॉज हैंडीकैप, टोटल मेंबर ऑफ वर्कर्स कुल सदस्यों का दसवां हिस्सा विकलांग हो गया था। बिल्कुल सही है, ठीक है। आ पार्ट ऑफ हिज लेक्चर्स वर, बिल्कुल सही है, आ पार्ट ऑफ हिज लेक्चर्स, ये क्या है, प्लूरल कॉमन नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन है, इसलिए क्या कहता है, प्लूरल काउंटेबल नाउन है, इसलिए वर आएगा इसकी जगह, प्लूरल वर्ब का, पब्लिश्ड इन द मैगनीज, ठीक। उनके लेक्चर का एक भाग एक पत्रिका में प्रकाशित हुआ। छठवा, वन नाइन्थ ऑफ द पिलर, ठीक है, हैव नहीं आएगा, हैज़ आएगा, हैज़ बीन रूटेड अवे, स्तंभ का 9वां हिस्सा जड़ से दूर खाड़ दिया गया। हाफ ऑफ द मूवी वर बोरिंग, फिल्म का आधा हिस्सा उबाऊ था, वर सही है। 1/3 ऑफ द बुक्स, बुक का 2/3 हिस्सा हैज़ आएगा, यहाँ पर वॉज आएगा, और यहाँ पर हैज़ बीन रीड बाय मी, ठीक है, किताब का 1/3 हिस्सा मेरे द्वारा पढ़ा गया। उसका आधा शरीर आभूषण से ढका था, हाफ ऑफ हिज बॉडी वॉज कवर्ड विथ ज्वेलरी। 1/3 भूमि की सिंचाई अब भी की जानी थी, 1/3 ऑफ द लैंड इज, सही है, इज गेट टू द इरीगेटेड, आधा गिलास खाली था, हाफ ऑफ द ग्लास वॉज एम्प्टी। नोट, ये सभी क्या है, एग्जेक्टिव, निम्न शब्दों का प्रयोग इन्हीं शब्दों के अनुसार किया जाता है, ये सभी क्या है, एग्जेक्टिव है, निम्न शब्दों का प्रयोग इन्हीं शब्दों के अनुसार किया जाता है, ये सभी एग्जेक्टिव है, जैसे सम है, सम ऑफ, मोस्ट ऑफ अधिकांश, ज़्यादातर, प्लंटी ऑफ, प्रचुर, या बहुत सारे, इनफ ऑफ, पर्याप्त, इनफ ऑफ, अ लॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ, ईटीसी, ठीक है। ये सभी वर्ड क्या हैं, इनका यूज़ कैसे करते हैं, ये सभी एग्जेक्टिव हैं, एग्जेक्टिव मतलब नाउन के पहले आने वाले शब्द हैं। तो मोस्ट पर्सन्स नाउन है, नाउन के पहले एग्जेक्टिव आता है, मोस्ट पर्सन्स थिंक्स सो, अधिकांश व्यक्ति ऐसा सोचते हैं, थिंक सो, लॉट्स ऑफ पीपल नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन है, इसलिए वर आएगा, अनकाउंटेबल नाउन है, वर प्रेजेंट देयर, वहाँ बहुत सारे लोगों को उपस्थित थे, लॉट्स ऑफ पीपल वर प्रेजेंट देयर। तीसरा देखते हैं, ही वॉट अ लॉट ऑफ बुक्स फॉर हिज लाइब्रेरी, उसने अपनी लाइब्रेरी के लिए बहुत सारी पुस्तकें खरीदी, बुक्स। नोट, द परसेंटेज ऑफ, इसके बाद देखो प्रतिशत, द परसेंटेज ऑफ प्लस एनी सब्जेक्ट
तो सिंगुलर वर्ब आएगी, कोई भी सब्जेक्ट हो। द परसेंट ऑफ के साथ अगर कोई भी सब्जेक्ट आए तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब जरूर आएगी। नोट, रूल भी है और याद भी, वो भी करना है, एक नोट भी है। तो क्वेश्चन दे रखा, द परसेंट ऑफ स्टूडेंट्स इन दिस एग्ज़ाम इज इंक्रीजिंग डे बाई डे, आर नहीं होगा, इज होगा, ठीक है। सब्जेक्ट कोई भी हो, चाहे प्लूरल सा है सिंगुलर हो। द परसेंट ऑफ अमाउंट द परसेंट अमाउंट हैव नहीं होगा, हैज़ होगा, हैज़ बीन डिसाइडेड, राशि का प्रतिशत निर्धारित कर लिया गया। रूल नंबर नौवां, रूल नंबर नौवां क्या है, यदि सेंटेंस से इमेजिनेशन, होप, विश और डिज़ायर की अभिव्यक्ति हो तो किसी भी सब्जेक्ट के साथ प्लूअर वर्ब या प्लूअर फॉर्म में प्रयुक्त होता है। पास्ट टेंस, प्लूअर वर्ब या प्लूअर फॉर्म में प्रयुक्त होता है पास्ट टेंस, ठीक है। अगर सुन लो, फिर से सुन ली, यदि सेंटेंस में इमेजिनेशन तो कल्पना की बात हो, या होप आशा की बात हो, या विश की बात हो, या डिज़ायर की अभिव्यक्ति हो, तो किसी भी सब्जेक्ट के साथ प्लूअर वर्ब या प्लूअर फॉर्म में प्रयुक्त होता है, ठीक है, पास्ट टेंस में यूज होता है। एग्जांपल देख लीजिए, इफ आई एम द प्राइम मिनिस्टर कॉमा आई वुड अटैक्ट चाइना, यहाँ पर एम नहीं आएगा, वर आएगा और पास्ट में होगा। इफ आई वर द प्राइम मिनिस्टर आई वुड अटैक चाइना, यह वर्तमान की कल्पना है, जब वर्तमान की कल्पना होगी, इमेजिनेशन की बात हो, तो प्लूअर वर्ब पास्ट टेंस में होगी, जो प्लूअर वर्ब होगी वो पास्ट टेंस में होगी, ठीक है। सेकंड, इफ आई वॉज ही आई वुड नॉट साइन द पेपर, यह वर्तमान की कल्पना है, इमेजिनेशन की बात कर रही है, तो वो जो प्लूअर वर्ब होगी पास्ट टेंस में होगी, किस में होगी, वर्ब, तो वॉज की जगह हाउ आई विश ही इज अलाइव, इमेजिनेशन हो रहा है, मैं कैसे कल्पना कर लूँ कि वह जीवित है, तो इसकी जगह वर, तो मतलब इमेजिनेशन पास्ट की है। हाउ आई विश ही वर अलाइव, इफ आई वर अ बर्ड आई वुड फ्लाई हाई इन द स्काई, समय वर्तमान की कल्पना है, पास्ट टेंस में आती है, टेंस पास्ट है, ध्यान रखना टेंस पास्ट है, लेकिन वर्तमान की कल्पना है, ध्यान रखना टेंस पास्ट है तुम पर। आई वर अ बर्ड, काश में एक पक्षी होता, एम नहीं आएगा, वर आएगा, ठीक है, वर। यदि मैं राजा होता तो तुम्हें मैं अपना मंत्री बना देता, इफ आई वर द किंग आई वुड मेक यू माई चीफ मिनिस्टर, यदि मैं कवि होता तो एक महाकाव्य लिखता, इफ आई वर अ पोएट आई वुड राइट एन एपिक, यदि मैं डॉक्टर होता तो मैं तुम्हारा भली भांति इलाज करता, इफ आई वर अ डॉक्टर आई वुड ट्रीट यू वेल, काश वह जीवित होता, आई विश ही वर अलाइव, काश मैं एक नेता होता, आई विश आई वर अ पॉलिटिशियन लीडर, काश मैं इलाहाबाद का जिलाधिकारी होता, आई विश आई वर जिलाधिकारी ऑफ यदि मैं तुम्हारी जगह होता तो ऐसा कभी ना करता, इफ आई वर यू आई वुड नेवर डू इट या शो डू। नोट, अब एक नोट और है, एक कंजंक्शन है, ध्यान रखना, एज इफ और एज दो एक कंजंक्शन के रूप में काम करते हैं, ठीक है, एज इफ और एज दो
एक कंजंक्शन है एज इफ और एज दो, जो दो सेंटेंस को जोड़ने का काम करते हैं, एज इफ और इमेजिनेशन। जब एज इफ और एज दो की बात करते हैं तो इमेजिनेशन मतलब कल्पना का सेंस आता है। इनका मतलब है ऐसा लगता है जैसे, मानो कि, ऐसा लगता है जैसे या मानो कि, दोनों ही सेम वर्ड देते हैं और कंजंक्शन होता है। चलो आगे बढ़ते हैं, इसका और एग्जांपल पढ़ते हैं। वह ऐसा चलता है कि मानो कि यार वह राजा हो, वह राजा। ही वॉक्स एज इफ कंजंक्शन, ही वर अ किंग। फिक्स्ड इमेजिनेशन को शो करता है सेंटेंस में, ही वॉक्स एज इफ ही वर अ किंग। ही बिहेव्स टू मी एज इफ ही इज, नहीं होगा वर होगा, ही वर माई मास्टर। भाई मेरे साथ ऐसा व्यवहार करता है कि मानो कि भाई मेरा मालिक हो। नॉट एज इफ और एज दो इमेजिन शो करते हैं, कल्पना शो करते हैं, मतलब क्या करते हैं, कल्पना शो करते हैं, इसलिए वर यूज़ करते हैं। कल्पना में हमेशा वर का यूज़ करते हैं, ठीक है। वह ऐसे बोलता है मानो कि वह एक महान नेता हो। ही टॉक्स एज इफ ही वर अ ग्रेट लीडर। वह ऐसे चलता है मानो कि एक राजकुमार हो। ही वॉक्स एज इफ ही वर प्रिंस। रूल नंबर टेन में इसमें तीन पार्ट हैं, ए बी सी, ठीक है। तो पहला पार्ट हम पढ़ते हैं। पहला पार्ट में यदि दो सिंगुलर सब्जेक्ट एंड से जुड़कर आए तो वर्ब प्लूअर फॉर्म में होगी। ध्यान रखना वर्ब कैसी होगी, ऑक्सिलरी वर्ब होती है। तो दो सिंगुलर सब्जेक्ट एंड से जुड़कर आए तो वर्ब हमेशा प्लूअर फॉर्म में होगी। जैसे राम एंड मोहन, दोनों को मिला के आर का यूज़ करेंगे, आर, गुड फ्रेंड्स, ठीक है। अ बॉय एंड अ गर्ल हैव, दो है ना, हैव हैज़ नहीं होगा, ठीक है। कम हियर, आगे बढ़ते हैं बी वाला। बी, यदि दोनों सब्जेक्ट एक ही व्यक्ति को प्रदर्शित करें तो वर्ब सिंगुलर फॉर्म में प्रयुक्त होती है। यदि दो सब्जेक्ट दो दोनों सब्जेक्ट यदि दो सब्जेक्ट एक ही व्यक्ति को प्रदर्शित करें तो वर्ब सिंगुलर फॉर्म में होती है। जैसे द डीएम एंड कलेक्टर ऑफ इलाहाबाद, इलाहाबाद के जो डीएम और कलेक्टर हैं, हैज़ नहीं होगा वो हैव होगा, ए हैव नहीं होगा वो हैज़ होगा। हैज़ इन इनवेगेटेड द फेयर, मतलब एक ही व्यक्ति है जिन्होंने उद्घाटन किया, ठीक है। नोट यहाँ पर याद रखना है, यदि आर्टिकल या पजेसिव का प्रयोग एक ही सब्जेक्ट के पहले हो, याद रखना है यहाँ पर आर्टिकल वाला नाउन का फॉर्म है। यदि आर्टिकल या पजेसिव का प्रयोग एक ही सब्जेक्ट के पहले हो तो वर्ब सिंगुलर फॉर्म यूज़ होगी। यदि आर्टिकल बोल रहा है कि नोट में हमने पढ़ नोट में हमें बता रहा है नोट में क्या बता रहा है, यदि आर्टिकल या पजेसिव का प्रयोग एक ही सब्जेक्ट के पहले हो तो वर्ब कैसी होगी, सिंगुलर, वर्ब सिंगुलर तथा प्रत्येक सब्जेक्ट के पहले होने पर प्लूरल। अगर प्रत्येक सब्जेक्ट में आर्टिकल हो जाए या पजेसिव का यूज़ हो जाए तो प्लूरल वर्ब, प्लूरल हेल्म ऑग्ली, जो ऑग्ली वर्ब होगी प्लूरल में होगी, या मेन वर्ब प्लूरल में होगी। अगर दो एक में आर्टिकल लग जाए, पहले वाले में आर्टिकल लग जाए, एक ही में आर्टिकल लगे तो हम वर्ब हमेशा सिंगुलर में यूज़ होगी। जैसे कि फॉर एग्जांपल अ ब्लैक एंड वाइट काउ, ओनली वन काउ है इसलिए इसका यूज़ होगी यहाँ पर, ठीक है, आर का यूज़ नहीं होगा। अ ब्लैक एंड वाइट काउ डिफरेंट काउ हैं, दोनों ही डिफरेंट काउ हैं। अ ब्लैक एंड अ वाइट काउ इज नहीं होगा यहाँ पर, दो है ना, इसलिए आर का यूज़ होगा। देखते हैं, द प्राइम मिनिस्टर एंड चेयरमैन ऑफ द प्लानिंग कमीशंस, दोनों ही एक में ही आर्टिकल लगा, देखो जरा एक में, द प्राइम मिनिस्टर एंड चेयरमैन ऑफ द प्लानिंग कमीशंस, एक ही प्लानिंग कमीशन के एक चेयरमैन भी हैं, प्राइम मिनिस्टर भी हैं, तो यहाँ पर क्या हैज़ नहीं होगा, सॉरी हैव नहीं होगा, हैज़ होगा, सिंगुलर, सिंगुलर वर्ब का यूज़ होगा, सिंगुलर वर्ब का यूज़ होगा। कम, वन पर्सन ही है, एक ही व्यक्ति है। माई फ्रेंड एंड गाइड, माई फ्रेंड एंड गाइड हैव हेल्प्ड मी, सेम पर्सन है, एक ही व्यक्ति है, एक ही व्यक्ति, इसलिए हैज़ का यूज़ होगा।
और एक ही में क्या है, एक ही व्यक्ति है, इसमें क्या है, पजेसिव, पजेसिव लगा, एक ही में पजेसिव लगा, अगर दोनों लगता तो प्लूरल हो जाता, ठीक है। इसके बाद तीसरा देखते हैं, हिज फादर एंड हिज गार्डियन, अभिभावक, यहाँ पर हैज़ वॉन्ट हिम नॉट टू डू इट अगेन, टू पर्सन है, क्योंकि यहाँ पर दोनों में पजेसिव लगा, दोनों सब्जेक्ट में, दो सब दोनों ही सब्जेक्ट के पहले पजेसिव दोनों में लगा, इसलिए हैज़ नहीं आएगा, वर्ब कैसी होगी, प्लूरल हैव आएगा। अ पोएट एंड यहाँ पर देखो इज आया, तो यहाँ पर कोई भी आर्टिकल नहीं लगे, अ पोएट एंड ड्रामिस्ट इन इज डेड, वन पर्सन ही है, ठीक है, वो एक ही व्यक्ति है, इस वजह से क्या है, एक ही में आर्टिकल लगेगा, एक ही व्यक्ति के लिए। द प्रिंसिपल एंड यहाँ पर देखो वर है, वर्ब कैसी है, प्लूरल वर्ब है, इसलिए दोनों में, दोनों मिल गई, द प्रिंसिपल एंड वर है, देखो यहाँ पर प्लूरल वर्ब है, ये प्लूरल वर्ब है, तो यहाँ पर दोनों में ही क्या लगे होंगे, आर्टिकल्स लगे होंगे, द प्रिंसिपल एंड द स्टाफ, तो अब्सेंट फ्रॉम द कॉलेज, ठीक है। रूल नंबर सी, तीन रूल बताए गए थे, इसमें से दो रूल हमने पढ़ चुके हैं, ए और बी। तीसरा रूल है, यदि दो सिंगुलर सब्जेक्ट एक होने का भाव प्रकट करें, दो सिंगुलर सब्जेक्ट हैं और एक होने का भाव प्रकट करें, एज अ होल करें, तो वर्ब सिंगुलर फॉर्म में प्रयुक्त होती है, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ब्रेड एंड बटर, एक ही होने का भाव कर रहा है, ब्रेड एंड बटर, तो इसलिए सिंगुलर सब्जेक्ट आर नहीं होगा, इसका यूज़ होगा, वर्ब हमेशा सिंगुलर फॉर्म में यूज़ होगी। माई फेवरेट डिश, ब्रेड एंड बटर इज़ माई फेवरेट डिश, एज अ होल किया गया, वन आइडिया है, जैसे राइज एंड फॉल, उदाव चढ़ाओ, हॉर्स एंड कैरेज, घोड़ा गाड़ी, लॉन्ग एंड शॉर्ट, संक्षेप में इन ब्रीफ बोलते हैं, ये सभी एक ही सेंस में दिए जाते हैं, एज अ होल यूज़ किए जाते हैं, इस वजह से सिंगुलर वर्ब का यूज़ करते हैं। और भी देख लीजिए, स्लो एंड स्टडी, धीमे परंतु नियमित, स्लो एंड स्टडी, ट्रुथ एंड नॉन वायलेंस, सत्य और अहिंसा, ठीक है, बैग एंड बैगेज, पूरे सामान का, इसके साथ हमेशा सब सिंगुलर वर्ब का यूज़ करेंगे। एज एंड एक्सपीरियंस, उम्र और अनुभव, एक साथ यूज़ करते हैं। राइस एंड करी, करी चावल, फ्राइड राइस, ये भी तुम्हारा राइट, एंड फिश, ये भी बिल्कुल सेम है, इसके साथ सिंगुलर वर्ब को यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल और दे भी देख लीजिए, एग्जाम्पल देखेंगे तो एग्जाम्पल है स्लो एंड स्टडी, विन होगा कि विंस होगा, धीमे परंतु नियमित चलने वाला जीत जाता है, ठीक है। स्लो एंड स्टडी, स्टडी विंस, जब वर्ब में अगर हम एस लगा देंगे तो सिंगुलर बन जाती है वर्ब, ठीक है। विंस द रेस, द ट्रुथ एंड नॉन वायलेंस इज होगा, द एसेंस मूल होता ऑफ लाइफ, सत्य और अहिंसा जीवन की मूल है, ठीक है। द लॉन्ग एंड शॉर्ट, द लॉन्ग एंड शॉर्ट एक ब्रीफ है, एक ब्रीफ के सेंस में यूज हो रहा, मतलब एक एज अ होल के ऑफ द मैटर इज होगा, इसके साथ इज नोन टू मी, मामले का संक्षेप भाग में मैं जानता हूँ, संक्षेप भाग मैं जानता हूँ, मामले का संक्षेप भाग मैं जानता हूँ। एज एंड एक्सपीरियंस ब्रिंग्स आता है, क्यों, सिंगुलर वर्ब यूज होती है। एज एंड एक्सपीरियंस ब्रिंग्स विजडम टू मैन, उम्र और अनुभव व्यक्ति को बुद्धिमान लाती है। अब एक्सकैप्शन पढ़ते हैं, एक्सकैप्शन के कुछ रूल है, एक्सकैप्शन के अपवाद के कुछ रूल होते हैं, अनयूजुअल और अनकॉमन रूल बोलते हैं, जैसे अनकॉमन मतलब होते हैं ऐसे रूल जो अनकॉमन हो, अनयूजुअल हो। पहला, अगर हम कहें कि पहले की बात करें, तो टाइम एंड टाइड के साथ क्या आएगा, वेट आता हमेशा, ध्यान रखना, ना कि वेट्स, टाइम एंड टाइड के साथ
क्योंकि हमने पढ़ा है ना, एज अ होल की बात कर रहे हैं तो टाइम और टाइड भी एक प्रकार का क्या है, इन ब्रीफ है टाइम एंड टाइड एक साथ प्रयोग होने वाला है। इसके साथ हमेशा प्लूरल वर्ब का यूज़ होता है, फॉर नन। समय और अवसर किसी की प्रतीक्षा नहीं करते, ठीक है, इसका ये है। अब रूल और सीखेंगे। टाइम की बात हो, डिस्टेंस की बात हो, वेट की बात हो, या अमाउंट या प्रदर्शित करने वाले शब्दों जैसे एज अ होल समूह के रूप में या एज अ यूनिक का बोध हो तब वर्ब सिंगुलर फॉर्म में, सिंगुलर में, और डिवीजन का बोध हो तो वर्ब प्लूरल फॉर्म में प्रयुक्त होती है। मतलब कहने का मतलब ये है कि जब टाइम और डिस्टेंस, वेट और अमाउंट, प्रदर्शित करने वाले जितने भी वर्ड होते हैं, शब्द होते हैं, अगर एज अ होल बात करें, उनकी कंप्लीटली बात करें तो वर्ब सिंगुलर फॉर्म में, अगर उनमें डिवीजन दिखे तो वर्ब कैसे होती है, प्लूरल फॉर्म में यूज होती है। फॉर एग्जाम्पल, देखेंगे, 2 ईयर्स, 2 ईयर्स, 2 साल, 2 ईयर्स इज या आर नॉट अ वेरी लॉन्ग पीरियड। एज अ होल बात कर रहा है 2 ईयर्स की, एज अ होल की बात कर रहा है, 2 ईयर्स लिए सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे इज। इसके बाद 2 ईयर्स हैज़ या हैव पास्ड सिंस ही लेफ्ट इलाहाबाद। डिवीज़न की बात हो रही है यहाँ पर, डिवीज़न की बात है, 2 वर्ष बीत गए जब से उनसे उसने इलाहाबाद छोड़ा, ठीक है। तो यहाँ पर डिवीज़न की बात करें तो यहाँ पर क्या है जो प्लूरल वर्ब का यूज़ होगा, 20 किलोमीटर्स इज या आर नॉट अ लॉन्ग डिस्टेंस। तो 20 किलोमीटर एक होल की बात कर रहे हैं तो इसलिए इस का यूज़ करेंगे। 20 किलोमीटर्स इज या आर एट टू बी कवर्ड, अभी भी कवर्ड किया है तो डिवीज़न की बात हो रही है इसलिए आर होगा। 200 रुपये एक बड़ी राशि नहीं है, सो ठीक है, 200 रुपये एक बड़ी राशि नहीं है, तो 200 रुपीज़ इज नॉट अ बिग अमाउंट, ठीक है। और भी पढ़ो, 200 रुपये खर्च हो गए तो 200 रुपीज़ हैज़ बीन स्पेंड, मतलब खर्च हो गया, मतलब डिवीज़न दिखा दे रहा है, तो 200 रुपीज़ हैज़ बीन स्पेंड। 10 ईयर्स हैव पास्ड सिंस ही ज्वाइन द जॉब, 10 वर्ष बीत गए जब से उसने जॉब ज्वाइन किया। तो यहाँ पर देखो, 10 जो ईयर है वो डिवीज़न दिखा रहा, तो इसलिए प्लूरल वर्ब का यूज़ किया, हैव पास्ड, ही ज्वाइन द जॉब, ही ज्वाइन द जॉब, 10 वर्ष बीत गए जब से उसने जॉब ज्वाइन किया। तो हमारा ये क्या हुआ, सब्जेक्ट विथ एग्रीमेंट टॉपिक पूरी तरीके, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट सेंटेक्स पूरी तरीके से ख़त्म हो गया, जिसमें हमने कम से कम अप्रॉक्स 10 रूल पढ़े हैं और पूरी तरीके से ये फिनिश हो गए। ये हमारा फिनिश हो गया, अच्छी तरह से इसको पढ़ना फिनिश हो गया, ठीक है, धन्यवाद।